क्या दोस्तों आपको भी 5G अनलिमिटेड डाटा लुफ्त उठाना है तो आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों अगर आपके पास 4G सिम है और 4G सिम को आप 5G करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यहाँ पे लाइफ टू लाइफ स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस दिखाऊंगा दोस्तों। ये प्रोसेस आपके मोबाइल में करने के बाद आपका जो 4G सिम है दोस्तों ये 5G में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो और आप पूरा अनलिमिटेड जो डाटा है दोस्तों आप घर बैठे बैठे लुफ्त उठा सकते हो वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है और यहाँ पे वीडियो स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो बिना स्किप करके आपको पूरा एंडिंग तक देखना है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आपके मोबाइल में ये कैसे करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चले मेरे मोबाइल स्क्रीन पे ले जाकर आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो सेटिंग है दोस्तों आपका मोबाइल का जो सेटिंग होता है सेटिंग्स पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो ध्यान से देखना है दोस्तों और कुछ टाइम लेके यहाँ पे वीडियो देखना है दोस्तों। यहाँ पे स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आप जब स्क्रॉल करोगे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, तो आपके मोबाइल में भी आ जाएगा दोस्तों, ये हर मोबाइल में होता है दोस्तों। यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे ऊपर में सर्च सेटिंग मिल रहा है, देख सकते हो सर्च बार पे जाकर आपको यहाँ पे सर्च करना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलने के बाद दोस्तों सिम कार्ड और जो यहाँ पे आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं एक ही सिम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, यहाँ जियो सिम। तो आप जितना सिम यूज़ कर रहे हो, आप अगर दो सिम यूज़ कर रहे हो तो आपका जो सिम 4G है दोस्तों, जो सिम 4G को आप 5G करना चाहते हो, ये जो 4G सिम को आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, एक न्यू पेज आपके मोबाइल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आपको देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क करके, यहाँ पे लिखा आएगा देख सकते हो, और मोबाइल नेटवर्क के नीचे यहाँ पे एक यहाँ पे लिखा रहा है देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल में भी लिखा आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में लिखा आ जाएगा APNS, देख सकते हो APN यहाँ पे लिखा आ जाएगा, तो आपके मोबाइल में भी लिखा आ जाएगा, आप देख लो। और देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंटरनेट करके, ठीक है। तो इंटरनेट जो आ रहा है दोस्तों, इंटरनेट के साइड में देख सकते हो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस साइड पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कौन सा सेटिंग आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम करके जो आ रहा है देख सकते हो ऊपर में आपके मोबाइल में भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, नेम पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट रहेगा, इसको आपको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद अभी आप यहां पे क्या लिखना है दोस्तों, यहां पे आपको लिखना है जियो 5G अनलिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जियो 5G अनलिमिटेड, ये सबसे पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद दोस्तों ओके आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको APN करके लिखा आएगा, आपके मोबाइल में भी लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, APN पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरनेट लिखा आएगा, देख सकते हो इंटरनेट को आपको फिर से यहाँ पे कट कर लेना है। और कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है जियो 5G, यहाँ पे देख सकते हो जियो 5G मैंने लिख दिया, तो आपको भी यहाँ पे जियो 5G लिखना है। और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ओके आ रहा है ओके पे फिर से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे आ रहा है प्रॉक्सी और पोर्ट, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो नॉट सेट करके रहेगा, ये आपके मोबाइल में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कोई सेट नहीं करना है। और नीचे यहाँ पे पोर्ट के नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है यूजर नेम करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर नेम पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है यहाँ पे आपको दे देना है क्या, जियो करके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जियो मैंने लिख दिया, तो आपको भी यहाँ पे जियो लिखना है। और लिखने के बाद दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम के नीचे पासवर्ड करके आ रहा है, आपके मोबाइल में शो जाएगा। तो पासवर्ड के नीचे यहां पे आपको एक ऑप्शन फिर से मिल जाएगा सर्वर करके, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, सर्वर पे क्लिक करना है, पासवर्ड पे आपको कुछ यहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो सर्वर आएगा, सर्वर पे आपको क्लिक कर देना है। और सर्वर पे क्लिक करने के बाद तो दोस्तों यहां पे आपको लिखना है www.jio5g.com। दोस्तों यहां पे देख सकते हो क्या लिखना है आपको, W सर्वर पे आपको लिखना है www.jio5g.com, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं www.jio5g और यहाँ पे .com जो होता है दोस्तों ये नहीं लिखता है, इसलिए काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा ये आपको मैंने जैसा दिखाया है ऐसे आपको मोबाइल में लिख लेना है, www.jio5g. यहाँ पे आपको com लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे फिर से जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे MCC करके रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे MCC आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। तो MCC यहाँ पे 405 ही रहेगा
दोस्तों, अगर आपके पास ज्यादा आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एमसीसी जो आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 405 दोस्तों 405 आपको सिलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे हर मोबाइल में दोस्तों यहाँ पे 405 ही रहता है, लेकिन आपके मोबाइल में ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो लिमिट है दोस्तों 405 यहाँ पे आपको लिखना है। और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नीचे फिर से आपको स्क्रॉल करना है, और करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो APN प्रोटोकॉल करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल में भी आ जाएगा APN प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से APN प्रोटोकॉल पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन तीन ऑप्शन मिल जाएगा, IPv4 यहाँ पे देख सकते हो, IPv6 और यहाँ पे IPv4, यहाँ पे आपको IPv6 जो आ रहा है नीचे तीन नंबर पे आपको क्लिक कर देना है, नीचे स्क्रॉल करना है, और करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बियर करके लिखा आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, बियर पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे देख सकते हो LTE, तो सबसे पहले आपको LTE पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाएगा HSDPR, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिर से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा UMTS करके, तो यहाँ पे आपको UMTS पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिर से आपको मिल जाएगा EDGE करके यहाँ पे, तो इसको भी आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मोर करके जो ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो, मोर पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके मोबाइल में भी मिल जाएगा, आप देख लो, तो सेव पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने जो यहाँ पे देख सकते हो जियो 5G अनलिमिटेड, तो यहाँ पे APN बन गया है, मैंने सेव कर दिया, तो आपके मोबाइल में भी हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे बैक पे चले जाना है, ठीक है। और बैक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम्स के नीचे यहाँ पे, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रेफर LTE करके लिखा आएगा, रेफर 4G, रेफर 5G, रेफर ओनली 2G। तो यहाँ पे मेरा 5G अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो ये फ़ोन है दोस्तों ये 4G फ़ोन है। दोस्तों सबसे पहले तो आपका मोबाइल 5G होना चाहिए, अगर आप 5G डाटा यूज़ करना चाहते हैं, अनलिमिटेड डाटा का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो आपका पास जो मोबाइल है दोस्तों ये 5G मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। और 5G मोबाइल आने के बाद यहाँ पे आपको क्या आएगा दोस्तों, 5G करके लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5G पे सबसे पहले सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैक पे चले जाना है, और जाने के बाद अभी फिर से यहाँ पे देख सकते हो एक्सेस पॉइंट करके जो आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जियो 5G जो अनलिमिटेड अपने जो APN सेव किया है, इस सेव को यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह का शो होगा आपके मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे शो होने के बाद दोस्तों अभी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले जब आप ये सेटिंग आप बनाओगे, और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये बनाने के बाद आपका मोबाइल दोस्तों एक बार फ्लाइट मोड करके ऑन ऑफ करना है, ठीक है। ऑन ऑफ करने के बाद दोस्तों 100-10% मैंने जो प्रोसेस दिखाई, ये प्रोसेस करने के बाद दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका जो 4G सिम है और यहाँ पे 5G में अनलिमिटेड डाटा का जो लुफ्त है दोस्तों, आप घर बैठे बैठे आप चला सकती हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस दिखाया दोस्तों, इसी प्रोसेस से आप कर सकती हो। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके आपको जरूर बोलना है, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, नहीं तो आपको नाइस या गुड वीडियो लेकर एक कमेंट करके जरूर भेज देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।